गुड मॉर्निंग क्लास। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक में फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आपने 11th क्लास में भी, आई थिंक 11th और 12th क्लास में आपने चैप्टर पहले भी पढ़ा हुआ है, पर एक एज अ रिकॉल बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपको रिकॉल करवाया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो कुछ बच्चे साइंस स्ट्रीम से भी होते हैं, कुछ बच्चे आर्ट स्ट्रीम से भी होते हैं, तो उन्हीं के सहूलियत के लिए आपका ये चैप्टर आपकी बुक में ऐड किया गया है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए फर्स्ट क्या है? अकाउंटिंग। ठीक है, प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन तो आगे की बात है, पहले पता होना चाहिए व्हाट इज अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग में क्या किया जाएगा, किसी को पता है? ओके, मैं बताती हूँ आपको व्हाट इज अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटिंग शब्द जर्नली व्यवसाय की एक भाषा है। जो बिजनेस करते हैं वो ही इस शब्द को जानते हैं, उन्हीं के लिए अकाउंटिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है, बहुत पहले के टाइम की बात है, जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था, या हो सकता है उससे भी पहले, उस टाइम पे क्या होता था कि जो अमीर लोग रहते थे या जो व्यवसाय करते थे वो क्या करते थे कि ये सब अकाउंटिंग यानी कि लेन देन का हिसाब किताब वो खुद रखते थे। खुद रखते थे, क्यों रखते थे? उस टाइम जो अकाउंटिंग सिस्टम था वो इतना विकसित नहीं हुआ था। ठीक है ना, इतना उसका विकास नहीं हुआ है जितना कि अब हो चुका है। तो उस टाइम क्या किया जाता था कि इन सब व्यवहारों का लेखा करने के लिए कि आज मैंने ये सामान बेचा है, इतना सामान बेचने के बाद मुझे इतना धन प्राप्त हुआ है, या इतना मनी पैसा मैंने विनियोग करा है उस पर मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, इस सब का हिसाब किताब रखना पड़ता था। तो क्या किया जाता था कि जो हिसाब किताब रखवाना चाहता है यानी कि जो व्यवसाय कर रहा है या वो अमीर लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो क्या अपने कार्यालय या प्रबंधन नियुक्त करते थे, जिनको स्टूअर्ट बोला जाता था। तो वही लोग इनके हिसाब किताबों का पूरा लेखा लिखते थे। ठीक है, तो उस टाइम पर क्योंकि ये सब अकाउंटिंग इतना विकसित नहीं था, डेवलप नहीं था, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजनेस ट्रांजेक्शन होते भी नहीं थे। ठीक है, तो उस टाइम इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी उतनी जितने की अब प्रेजेंटली टाइम में पड़ती है। तो अब एक अकाउंटिंग क्या हो गया है इन ब्रीफ, कि जो भी लेन देन है, व्यवहार है, ठीक है, उनको ऐसे व्यवहार जो कि मॉनिटरी टर्म में मुद्रा के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं व्यवहारों का ही लेखा किया जाएगा। सबका लेखा नहीं करना, सिर्फ ऐसी वैल्यूज, ऐसी लेन देन, ऐसी ट्रांजेक्शन जिनका मॉनेटरी टर्म्स में आप रिकॉर्ड रख सकते हो। ठीक है, सिर्फ उन्हीं को लिखोगे, उसके अलावा जितने भी हैं वो आप छोड़ दो। ठीक है, तो ये तो रहा उसका मीनिंग कि व्हाट इज अकाउंटिंग, कि मुद्रा में व्यवहारों का लेन देन के व्यवहारों का लेखा करने की जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या है, अकाउंटिंग है। यहाँ पर डेफिनेशन मैंने मेंशन करी है बोर्ड पर, व्हाट इज अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द फॉरवर्ड गवर्नमेंट एंड एलएनआर ड्रिवन अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग में डिफाइन एज द आइडेंटिफाई मेजरिंग रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी कि आप अकाउंटिंग को कैसे डिफाइन करोगे, पहले तो आप पहचानोगे, पहचानना क्या है, व्हाट ट्रांजेक्शन आर आइडेंटिफाई इन टर्म ऑफ मनी, ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जो कि मनी के रूप में एक्सप्रेस की गई है, पहले तो उनको पहचानोगे, फिर उसको मापोगे, मेजर करना है उसको, फिर आप बुक्स में रिकॉर्ड रखोगे, रिकॉर्ड यानी कि उसको लिखोगे, और लिखने के बाद उसको कम्युनिकेट करोगे, कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक वित्तीय सूचना के रूप में उसको प्रेषित किया जाएगा, उसको कम्युनिकेट किया जाएगा। किसको किया जाएगा? ऑब्वियस है, हु इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन, कि चाहे वह आपके इन्वेस्टर हैं, चाहे व्यवसाय का स्वामी है, एंड सो ऑन, कोई भी व्यक्ति विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट टू द बिजनेस,
उन सभी लोगों को सूचनाएं दी जाएंगी। तो ये तो रहा मीनिंग एंड डेफिनेशन। अमेरिकन इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं, डेफिनेशन देखिए आपकी बुक्स में कई सारी हैं, इट्स अप टू यू, जो आपको याद हो जाए, याद होने के बावजूद वो आपको समझ भी आनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। याद होना ही काम नहीं है, उसको समझना ताकि वो आगे तक आपको वो याद रहे, उसको इस तरह से पढ़ना। वो क्या कहता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट, वो कहता है कि ऐसी लेन देन जो कि आप मुद्रा में व्यक्त कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को आपको रिकॉर्ड में लिखना है, उन्हीं को आप समराइज करोगे, उन्हीं को रिकॉर्ड में लिखोगे, लिखा जाएगा और आगे कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है मीनिंग एंड डेफिनेशन, ओके।